गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। और हम लोगों ने खाना खा लिया है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये बता देती हूँ कि आज हमने क्या क्या बनाया था। तो हम लोगों की बनी थी यहाँ पे कढ़ाई, बकरे की कढ़ाई बनी थी, गोश्त कढ़ाई, पता नहीं जो भी कहते हैं। कोई अम्मी ने नई रेसिपी बनाई थी लेकिन पता नहीं कौन सी रेसिपी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। और कलेजी बनी है जो जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, बिल्कुल हमारे बलोची स्टाइल में। और बनी है चिकन बिरयानी, क्योंकि मैं जो है ना वो नहीं खाती हूँ, क्या कहते हैं, मैं मटन नहीं खाती, मैं बीफ भी नहीं खाती, तो इस वजह से अम्मी ने मेरे लिए चिकन बनाई है। और उसके बाद अब चलते हैं मेरे कपड़े आयरन करने। और अभी काशान और मनाल आए हुए हैं, दोनों मज़े से बैठ के सिवैयाँ इन्जॉय कर रहे हैं। ईद है और सिवई ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरीबा आ गई है और अपने रूम में है। ये है अरीबा के सैंडल्स और अरीबा का गिफ्ट भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। अरीबा भी अपना गिफ्ट, मतलब जो मेरे लिए गिफ्ट लाई है, वो लेके आ रही है। और ये एयरिंग्स है ना, इनको मैं अंदर डालना भूल गई, ये वही वाले हैं जो मेरे चेन के साथ थे, मैंने बोला था अरीबा को दूँगी। अरीबा, आर यू रेडी फॉर योर गिफ्ट? एक तो तुम देख लो, ये लो, ये मेरे चेन जो मैंने पहना है ना अभी, उसके साथ थे। तुम्हें पता है मैं पहनती नहीं हूँ और तुमसे बड़े ही नहीं पहने जाते। मैंने सोचा तुम्हें दे दूँ, पहले तुम अपना ले लो, बाद में मुझे दे देना। ओके अरे भाई भाई, इधर देखो, ये कोई परिंदा इसको खा रहा है, लाल लाल हो रहा है, मूड खराब हो गया पूरा। जल्दी आओ, हाँ, ईद मुबारक। ये तुम्हारा ही है, तुम ले लो, जल्दी खोलो, फाड़ दो, कोई मसला नहीं है, चलेगा मुझे। अरीबा की गिफ्ट रैपिंग देखो। मुझे आती नहीं है। अरीबा को आज तक जितने भी गिफ्ट रैप करवाने होते हैं ना, वो मुझसे करवाती है। मैं तो उसको वो कभी नहीं करती है। और मैंने चूड़ियाँ पहन ली हैं। अब बस खोल दो इसको, ये वो है जो मैं, मेरा मनी बॉक्स था। इसको खोल दो, यहाँ से खुला है हाँ। अब तुम देख लो अपनी चीज़ें और बताओ कैसी लगी। मैंने अरीबा तैयार हो रही थी, एयररिंग्स पहन रही थी, मैंने कभी नहीं पहनो। पहले तुम ना रेडी हो जाए, हाँ ये वाले पहनना, ये वाले, ये भी बहुत ही हल्के, देख लो तुम्हें जो भी पहनने हैं। और अरीबा ने अभी पहनी भी ना पूरी गोल्डन ज्वेलरी है, तो उस पर सूट करेंगे, पता है मैंने, कितने सॉफ्ट है। बस तुम अब देख लो, हर चीज़ दिखाने की नहीं है, ये दिखाओ। हाँ ये मैंने और अपने ना अरीबा के सेम लिए हैं। तो पहले मैं सोच रही थी अरीबा के लिए गोल्डन ले लूँ, फिर मैंने कहा अपने लिए सिल्वर ले रही हूँ तो उसके लिए भी गोल्डन ले लेती हूँ। थैंक यू, वेलकम। और मैंने अरीबा के लिए अगर गोल्डन लिए होते ना, आज उसके पूरे आउटफिट के साथ सूट करते, क्योंकि उसका सब कुछ गोल्डन है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी डाल दो इसमें। मैं तो खोल के देखूँ और वही बात के लिए जजमत करना मेरे के लिए। एयरिंग्स तो निकालो, वो भी अंदर डाल दी। देखो मैं देख रही हूँ अरीबा, वैसे तुम ना अभी वो ब्रेसलेट भी पहन सकती हो, सूट करेगा और वॉच भी सूट करेगी। मैं पता नहीं, मैं भी देखूंगी। ये रहे अरीबा के गिफ्ट, कुछ गिर गया, मैं खुद निकालूंगी ना, मेरा गिफ्ट है। ये देखो यार, ये अरीबा मैं कल पहनूंगी, कल ना पूरा गोल्ड तैयार, गोल्डन ज्वेलरी यूज करूंगी तब पहनूंगी। मुझे पता है साइड को क्या अच्छे लगते हैं, लिपस्टिक मेकअप ये तो। और लिपस्टिक के जो शेड होते हैं ना, ये छोड़ दो उसको, लिपस्टिक के जो शेड होते हैं ना, मुझे अक्सर लाइट पसंद है।
ये वाला बहुत अच्छा है, मुझे ना न्यूड लिपस्टिक्स बहुत अच्छी लगती है। और ये जितनी भी लेके आऊँ सहर को अच्छी लगती है। मुझे पता नहीं अरीबा कैसे हमेशा मेरे लिए ना सही लिपस्टिक लाती है, हमेशा जब भी मुझे अगर लिपस्टिक गिफ्ट करे, इसको बंद करो नहीं हो रहा, करेगी तो बहुत अच्छी करती है। और ये तो मैं इंशाल्लाह कल यूज़ करने वाली हूँ, अभी अगर मुझे पता होता तो मैं ये लगा लेती बालों में, लेकिन अब तो मैं तैयार हो चुकी हूँ। ये उस दिन अरीबा घर क्वेटा से आई थी, इसने सेम ऐसा वाइट कैचर पहना था, मैंने कहा यार अरीबा ये मुझे तो प्यारा लग रहा है, और शायद इसके पास एक और ऐसा था तो इसने ये मुझे दिया है। ये तुम्हारे पास क्वेटा से लाई है या कराची में लिया है? पता नहीं मामा ने लिया हुआ था इसलिए रखा हुआ था। हाँ मैं तो खुद ज़्यादा कैचर लेती हूँ। कितना छोटा सा प्यारा ऐसा है, मुझे बहुत पसंद है, क्यूट हार्ट। और ये इयर रिंग्स, ये अरीबा दोनों अलग नहीं नहीं सेम है, समझ गई। हाँ समझ गई, खोलो। मेरे पास ग्रे कलर में है भी नहीं, पता है मेरे पास बहुत सारे कलर्स है लेकिन ग्रे में नहीं है। बहुत प्यारी प्यारी अरीबा ने मुझे ज्वेलरी दी है। आपने भी वो इतनी छोटी लग रही थी, मैं इतनी छोटी हुई है वो तो ठीक है, एक नहीं है, नहीं दोनों दोनों ऐसी ही है ये। अच्छा मुझे लगा, अरीबा को लगा कि एक का है एक का नहीं है, लेकिन ये अच्छा है। मैंने कभी ऐसे पहनी नहीं है रिंग्स जो एक अलग हो दूसरी अलग हो, लेकिन ऐसी होती है। एक होगी क्योंकि, लेकिन अच्छी है, अच्छी अच्छी है, मुझे अच्छी लग रही है। अच्छा आपको तो अच्छी लगी आपकी गिफ्ट है। चलो अब अरीबा ऊपर चलते हैं पिक्चर्स लेने। आज है दूसरा दिन और मैंने ये हाथों में पीछे मेहंदी लगा ली है। वीडियो में तो बड़ी प्यारी लग रही है, रियल में इतनी अच्छी नहीं लग रही, वीडियो में ज़्यादा अच्छी लग रही है। और यहाँ आगे भी ना मैं थोड़े फ्लावर्स बना रही हूँ, बस मुझे मेहंदी लगाना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन आई एम स्टिल ट्राइंग कि हाथों पर थोड़ी मेहंदी लग जाए। चाची को आती है थोड़ी मेहंदी लगाना, उन्होंने कहा भी था आ जाना नीचे, लेकिन फिर मैं नहीं गई, मेरा मूड ही नहीं हुआ, तो अब यहीं पर लगा रही हूँ। ये देखें बकरा ईद की शुरुआत, हम लोग खा रहे हैं कलेजी नाश्ते में आज विद पराठा। बहुत हैवी होगा लेकिन इट्स वर्थ इट, बिकॉज मैं वैसे ज़्यादा नाश्ता नहीं करती, लेकिन कलेजी मुझे नाश्ते में बहुत पसंद है। और अब हम लोग बना रहे हैं कस्टर्ड जेली डेजर्ट, जिसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द आप लोगों को दे दूँगी, और ये बना के रेडी हो जाए फिर मैं भी जाती हूँ तैयार होने और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी पिक्चर्स लेती हूँ। और फर्स्ट डे पे हमने फिर KFC ऑर्डर करके खाया था, तस्मिया भी आई हुई थी, लेकिन मैं व्लॉग करना ही भूल गई, इसलिए मैं दोनों दिन के व्लॉग आज साथ में डालूँगी इस दफ़ा, डे वन और डे टू के। तो बस आप अपना ईद इन्जॉय करें, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, और कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी ईद कैसे गुजरी है। मेरी ईद तो इस कस्टर्ड की तरह मीठी मीठी गुजरी है।